स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी में। आज हम देखने जा रहे हैं एक मूवी जिसका नाम है लव मी नॉट, और इसमें हम देखेंगे आज एक और भाई बहन के अतरंगी रिलेशन को। फिल्म की शुरुआत में हम दो हाई स्कूल लड़कियों को देखते हैं जो कि बेस्ट फ्रेंड है, एक का नाम युवा है और दूसरी का अकारी। युवा एक शर्मीली लड़की है जो कि अकारी वहीं पर एक बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड गर्ल है जो कि किसी से भी बहुत जल्दी फ्रेंडशिप कर लेती है। युवा हमेशा सपने की दुनिया में खोई रहती है, उसको एक राजकुमार आकर ले जाएगा ऐसी दुनिया बना के रखी है उसने। और वो आज अकीरा को बता रही है कि कल उसने अपार्टमेंट में एक लड़के को देखा था जो बिल्कुल उसके सपनों के राजकुमार जैसा दिख रहा था। अकारी इसे कहती है कि अगर तुम्हें वो पसंद है तो अगली बार जब वो मिले तो तुम उससे बात कर लेना। वहीं क्लास में हम युवा के चाइल्डहुड फ्रेंड काजू से मिलते हैं। अकीरा इसे पहली बार देखती है और देखते ही इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। स्कूल के बाद लॉकर रूम में युवा को वही अपार्टमेंट वाला राजकुमार फिर से दिखता है और अचानक गायब हो जाता है। दोपहर में फिर युवा अकारी के घर पर जाती है और डोर एक लड़का खोलता है और ये वही लड़का है यानी कि इसके सपने का राजकुमार। युवा को लगता है कि ये अकारी का बॉयफ्रेंड होगा, पर अकारी बताती है कि ये मेरा भाई है। युवा इसे मुँह फाड़ कर देखती रहती है और अकारी समझ जाती है कि यही वो लड़का है जिसको युवा ने कल बिल्डिंग में देखा था और जिसके सपने में वो खोई रहती है। इसलिए ये दोनों को रूम में बैठा देती है पढ़ने के लिए ताकि ये दोनों बातें कर सकें और खुद बाहर चली जाती है। फिर हम इस लड़के को जान पाते हैं। इस लड़के का नाम रियो है और ये बहुत ही पॉपुलर लड़का है, हजारों लड़कियां इसको रोज प्रेम पत्र भेजती रहती है। वही बार अकारी को काजू मिलता है। काजू वही युवा का फ्रेंड जो इससे क्लास में मिला था। दोनों यहाँ नॉर्मल बातें करते हैं। अकारी काजू से बताती है कि वो युवा से कैसे मिली थी। एक दिन ये दोनों सामान खरीदने के लिए शॉप पर गई हुई थी, इसके पास पैसे नहीं थे तो युवा ने शर्माते हुए इसके पैसे भी पे कर दिए थे, तभी से ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। काजू अकारी की तारीफ करता है बहुत ज्यादा कि ये एक अच्छी लड़की है, और यहाँ दूसरी तरफ युवा बैठी शर्मा रही होती है रियो के साथ। तभी रियो की मोम आकर इनके रूम का डोर खोल के अंदर घुस जाती है और एक अजीब सा बिहेव करने लग जाती है। उनको लगता है कि रियो और अकारी यानी कि दोनों भाई बहन रूम के अंदर कुछ कर रहे थे। अब यहाँ पर इनको ऐसा क्यों लगता है ये हमें आगे पता चलेगा। और तभी यहाँ पर अकारी भी आ जाती है और इनकी लड़ाई होने लग जाती है कि आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि घर आए मेहमान के सामने कैसी बातें की जाती है। और इसकी मोम यहाँ पर काफ़ी माफ़ी मांगती है और युवा को समझ आ जाता है कि ये दोनों जो है अकारी और रियो दोनों स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर है। अब यहाँ पर ये सब हुआ क्या आपको थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगा। रात को अब अकारी युवा को मैसेज करके उसको सॉरी बोलती है और तब यहाँ युवा को याद आता है कि वहाँ पर आज क्या हुआ था, और जिससे हमें ये पता चलता है कि रियो अपनी बहन को काफ़ी पसंद करता है। अगले दिन स्कूल में रियो युवा से मिलता है और उससे माफ़ी मांगता है कल के लिए। और स्कूल के बाद रियो और काजू दोनों मिलते हैं और एक दूसरे को पहचान जाते हैं। काजू रियो को जानता है क्योंकि अकारी ने इससे रियो के बारे में बता रखा है कि मेरा भाई है एक और ये बातें। अब यहाँ पर ये भी पता चलता है कि ये दोनों एक ही तरह की मूवीज़ को पसंद करते हैं, इसलिए दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। लड़कों का तो ऐसा ही होता है। और काजू को ये लगता है कि रियो अकारी का ट्विन भाई है, पर यहाँ पर रियो बताता है कि नहीं, मैं उसका स्टेप ब्रदर हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं अकारी को जो गलती से रूम का डोर खोल देती है और रियो कपड़े चेंज कर रहा होता है, और इनको ऐसा करते हुए इसकी मोम देख लेती है। अब इसकी मोम को पक्का यकीन हो जाता है कि इन दोनों का कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है, इसलिए इसकी मोम इन दोनों को दूर रखने की काफ़ी कोशिश करती है। अकारी मोम से परेशान होकर बाहर चली जाती है और वहाँ उसको काजू मिलता है। दोनों घूमते हैं, बातें करते हैं और काजू इसे घर छोड़ने भी आता है और रियो ये देख कर बहुत ज़्यादा जल रहा होता है। वही दूसरी तरफ अकेली युवा अब सैड रहने लगी है और उसका इंटरेस्ट रियो में ख़त्म हो चुका है क्योंकि उसको पता चल गया है कि वो अपनी बहन को पसंद करता है। अगले दिन स्कूल में सुंदर सुंदर लड़कियां आती हैं रियो के पास और उससे बातें करने की कोशिश करती हैं क्योंकि ये सब इसको डेट करना चाहती हैं। स्कूल के बाद काफ़ी बारिश होने लगती है और उससे बचने के लिए रियो और युवा एक जगह छुप जाते हैं। यहाँ पर युवा रुक नहीं पाती और अपने दिल की बात रियो से बता देती है, पर रियो इसको रिजेक्ट कर देता है और बेचारी रोते हुए अकारी के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। और वहीं अब स्कूल में अकारी और काजू पास आने लगे, दोनों की दोस्ती बढ़ने लग चुकी है और काजू अकारी की बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है, और रियो ये सब देख नहीं पाता है और ये देख देख कर वो चिढ़ता रहता है। एक दिन अकारी काजू से मिलने जा रही होती है, रियो उसको रोककर कहता है कि उस साइड कहाँ जा रही हो, हमारा घर तो इधर है, और ये घर जाने लगते हैं। रास्ते में काफ़ी बारिश हो रही होती है इसलिए दोनों ने छाता पकड़ा होता है और बातें कर रहे होते हैं। रियो इससे अपनी जलन दिखाता है कि वो काजू से क्यों बात करती है और काजू से दूर रहने को भी कहता है इसको, पर इनकी बहस होने लगती है। अकारी से बात एक्सेप्ट करने को कहती है कि हम दोनों भाई बहन हैं और हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता है, पर रियो को ये बात समझ नहीं आती और रोड पर ही उसे वो किस करने लगता है। अब तभी इनके पीछे एक साइकिल का एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब यहाँ पर इनको ये करते हुए किसी ने देख लिया है। अब ये कौन था हमें बाद में पता चलेगा। रियो की इस हरकत के बाद अकारी इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और यहाँ से भाग जाती है। अगले दिन स्कूल में रियो
युवा को सब कुछ बता देता है कि कल मेरे और मेरी बहन अकारी के बीच में क्या क्या हुआ था। और इसके बाद वो बताता है कि ये अकारी से कैसे मिला था। बहुत टाइम पहले की बात है, ये दोनों एक दूसरे को पसंद किया करते थे। एक दिन इन लोगों ने मिलने का प्लान बनाया था, पर इसके फादर ने रियो को एक दिन कॉल करके रेस्टोरेंट में बुलाया और यहाँ पर वो देखता है कि अकारी और उसकी मोम इसके फादर के साथ बैठी हुई हैं और इसके फादर और अकारी की मोम शादी करने वाले हैं। अब उसके बाद तो रियो का दिल ही टूट जाता है और अकारी भी कहती है कि अब हम दोनों नहीं मिलेंगे ना, हमारे बीच कुछ होगा, क्योंकि वो अपनी फैमिली को टूटते हुए नहीं देख सकती थी और इस बात को एक्सेप्ट करती है कि मतलब जो रियो है वो उसका भाई है और अपनी फीलिंग को धीरे धीरे खत्म करने की भी कोशिश करती है। अब यहाँ दूसरी तरफ अकारी और काजू जो है वो दोनों पास आने लगे। एक दिन चारों समर फेस्टिवल में जाते हैं और यहाँ पर खूब मस्ती करते हैं। काजू अकारी को गिफ्ट्स भी देता है और वहीं पर युवा अपने एक बचपन के फ्रेंड के साथ मिलकर खेलती है, घूमती है, मस्ती करती है और रियो ये देख नहीं पाता और ये दोनों को देख कर काफ़ी ज़्यादा जल रहा होता है। मतलब इसकी नज़र उन दोनों पर ही है। अब यहाँ पर मौके का फ़ायदा उठा के अकारी काजू को डेट के लिए पूछती है, पर काजू इसको मना कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि काजू ही था उस दिन जिसका साइकिल से एक्सीडेंट हुआ था और इसी ने इन दोनों भाई बहनों को किस करते हुए देख लिया था, इसलिए इसके अंदर से फीलिंग्स ख़त्म हो चुकी है अकारी के लिए। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, काजू अकारी के लिए फिर से फीलिंग लाने की कोशिश करता है और बिल्कुल उसमें सफल भी होता है वो। और युवा वहीं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रहती है और रियो उसको देख देख कर जलता रहता है। उस दिन बाद पता चलता है कि अकारी की मोम फिर से तलाक लेने वाली है क्योंकि रियो के फादर जो है वो अमेरिका जा रहे हैं, पर अकारी डिवोर्स से मना करती है और कहती है कि तुम अपने हस्बैंड के साथ अमेरिका चली जाओ, मैं यहाँ पर अकेले रह सकती हूँ। और रियो भी अपनी बहन के लिए अब फील नहीं करता है, इसलिए वो काजू से कहता है अपने दिल की बात और काजू इसको एक्सेप्ट कर लेती है। मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है अकारी काजू एक साथ है और युवा और उसका राजकुमार यानी कि रियो दोनों एक साथ होते हैं और मूवी यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाती है। मैंने इससे पहले भी एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन की थी, उसके कमेंट्स में मतलब लोगों ने मेरे को बोला कि ऐसी बहुत सारी मूवीज़ लगता है तुमने पहली बार देखी है। तो हाँ, मैं सही बताऊँ तो मैंने इस टाइप की मूवी शायद पहली बार ही देखी थी, वो भाई बहन का जो भी था। मैंने फिर और भी ऐसी मूवीज़ देखी तो मेरे को समझ आया कि उनके यहाँ जो होता है ये कॉमन होता है। बहुत सारे कमेंट्स भी थे जिसमें लिखा हुआ था कि ये कॉमन होता है, तो मेरे को लगा था शायद होगा बोल रहे हैं तो सब। तो हाँ, ये सच में उनका होता है और ऐसा लोग करते हैं वहाँ पर, जापान में सबसे ज़्यादा होता है ये। और इसके ऊपर कॉमिक और मूवीज़ इतनी ज़्यादा बनी हुई हैं बता नहीं सकते। मतलब उनका जो है ये फेवरेट कंसेप्ट होता है कि अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो चलो इस पे बना देते हैं मूवी, बहुत चलेगी, तो ऐसा कुछ है उनका। तो मूवी कैसी लगी ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ और एक ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।